नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे और मैं भी सही हूँ यहाँ पे। अभी आज बात करेंगे अपने लोग चाय के मार्जिन के बारे में। चाय में कितना मार्जिन है? चाय में सर मार्जिन है आपका 5% से लेके 35% तक। आप कैसे मॉडर्न में काम करते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि आपका मार्जिन कैसे सेट होगा। जब आप एक एक किलो की पाउच बना के या 5-5, 10-10 रुपये की पाउच बना के जब बेचते हैं तो आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जब एक बोरे को बेचते हैं तो आपको मार्जिन कम मिलता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपको पर यूनिट आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पर यूनिट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि एक बोरे पे सपोज आपको 300 रुपया चाहिए कि 500 रुपया चाहिए, पर केजी पे कितना चाहिए। जैसे आजकल मैक्सिमम बोरे 26 किलो के होने लग गए, तो यदि 10 रुपया आप किलो का प्रॉफिट रखते हैं तो 260 रुपया आपको प्रॉफिट मिलता है। यदि आप उसमें यदि 15 रुपये किलो का रखते हैं तो उस हिसाब से मिलता है आपको 390 रुपया मिलता है। आप 10% का या 5% का एक मार्जिन रखते हैं, 5% का एक मार्जिन है तो एक जेन्युइन मार्जिन है उसके अंदर में, तो उसका आपका धंधा बहुत अच्छे से चलेगा उसके अंदर। उसी हिसाब से जब आप 5-5 किलो का यदि एक साथ में बिक्री करते हैं तो सर आपको 10-12%, 15% तक मार्जिन मिल जाता है उसके अंदर में। और जब आप एक एक किलो के पाउच बेचते हैं तो उसके अंदर में आपको 20% का भी मिल जाता है मार्जिन। एक्चुअल में आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको मार्जिन रखना कितना है, क्योंकि आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो आपकी मार्केट की क्वालिटी और एक मार्केट की रेट। मार्केट की क्वालिटी के या तो आपको बराबर क्वालिटी देनी है या फिर मार्केट के प्राइस के बराबर वो देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्वालिटी मार्केट में मिल रही है उससे आप डाउन क्वालिटी दे के वही रेट रख देंगे। ये आपके ज़्यादा चीज़ हो रही है महाराष्ट्र के अंदर में। जो भी भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में करते क्या हैं कि सिलीगुड़ी से 90 रुपया 100 रुपये के किलो की चाय खरीदते हैं और वो ख़रीदने के बाद में उसमें रंग मिला के वो 280-260-250 रुपया इस रेट में भी चाय बेचते हैं, 180 में मैक्सिमम चाय बेचते हैं। ये एकदम देखा जाए तो समाज के भी खिलाफ है और अपने शरीर के लिए तो एकदम हानिकारक है। लेकिन यदि आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी जगह जो चाय वाले हैं वो दिन में 4,000-5,000, जिस समय लॉकडाउन खुला था, रनिंग था हमारा महाराष्ट्र, उस समय वो क्या करते थे, उनको 4,000 कप तो बेचना है लेकिन उनको चाय हंसमुख की नहीं यूज़ करके उनको रंग वाली चाय यूज़ करनी है, जिससे कि रंग तुरंत आ जाए, कोई मरे तो मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने समाज के अंदर में। अपने लोग प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हैं, क्वालिटी देना नहीं चाहते, और फिर अपने बोलते हैं कि हमारा धंधा सेट नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें धंधा बेटर वे में करना ही नहीं आता। आज यदि हम अपने फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से मैं बोलूँगा, जियो का यदि एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा के फिर 3-6 महीने तक फ्री दे के भी उन्होंने कस्टमर को अपना बना के और फिर बाद में एक बेटर वे के अंदर में वो बिजनेस किया, तो उनका भी एक मॉडल था, उनको भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे किया। अपने को चाय के बिजनेस में भी ऐसा ही मॉडल तैयार करना है। देखिए जो भी बड़े ब्रांड हैं, अभी मैं नाम बोलूँगा नहीं, जो भी बड़े ब्रांड हैं उनकी क्या है कि खर्चे हैं, मैं पहले भी बताया हूँ, खर्चे जब माल बन के निकला तो उसके बाद में C&F के पास में जाता है, उसके बाद में सुपर स्टॉकिस्ट जो होता है SS उसके पास जाता है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, फिर उसके बाद में रिटेलर के पास में जाता है, फिर कंज्यूमर के पास में जाता है। तो ये सारे जगह से इतना इतना प्रॉफिट डिवाइड होते जाता है। अब आप में और मेरे में क्या होगा, सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, जैसे टाटा के यहाँ से माल निकल रहा है, मेरे यहाँ से भी माल निकल रहा है और आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, यानी C&F, SS और डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे के सारे मार्जिन आपके हाथ में आ रहे हैं। अब उस मार्जिन को आप कैसे कैश करते हैं ये आपके ऊपर में डिपेंड करेगा।
उसकी अपने लोग मिल के, मैं बार बार मैं आप लोगों को पार्टनर इसलिए बोलता हूँ कि अपने लोग को मिल के काम करना है, जिसकी वजह से जितने भी भाई मेरे साथ में जुड़ेंगे वो ढंग से अपना कदम मार्केट के अंदर रख सके, एक अंगद के पांव की तरह। आप अकेले काम करेंगे, हो सकता है कुछ समय के लिए आप बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगे या सक्सेस भी हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगे। लंबे समय तक यदि काम करना है तो अपने दोनों को एक दूसरे के साथ मिल के ही काम करना पड़ेगा। हाँ, जिनको सपोज़ जो मैंने अपने बिजनेस मॉडल में बताया था, इन्वेस्टमेंट सीक्रेट के अंदर जो बताया था कि 15 लाख से 50 लाख तक या 1 करोड़ तक या 2 करोड़ तक जिनको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, वो एक दूसरी बात है, उनके लिए दूसरा मॉडल रहेगा, उसको भी मैं गाइड करूँगा, उनके लिए दूसरा मॉडल रहेगा। लेकिन जिनके पास में ये 5 लाख रुपया तक का भी इन्वेस्टमेंट है, तो उनको अपना ब्रांड नहीं बनाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो लंबे कस्टमर को नहीं बना पाएंगे। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोल दूँगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर में मैं बताऊँगा डिटेल के अंदर में। जैसे कि जब आप एक अपना ब्रांड बनाते हैं तो उसके अंदर में आपको एक पैकिंग मटेरियल, डिज़ाइन, बार कोड और उससे रिलेटेड FSSAI कोड, है ना, पैकिंग मटेरियल का पूरा खर्चा आपको ये सारे उठानी है। उसके बाद में माल खरीदने के लिए आपको सपोज़ 3 तरीके के माल बनानी है, चाय की दुकान के, और आपको एक प्रीमियम, एक गोल्ड, एक लोअर क्वालिटी का, 3 ये क्वालिटी का, और उसके बाद में डस्ट का, PD का और OF का एक ब्लेंड। मानी जैसे मैं अपने 22 से 24 मेरे ब्लेंड है जिसको मैं मैनेज करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक मेरे को स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो आप भी जब मार्केट में जाओगे तो आपको भी एक स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 लाख या 4 लाख अपने उसके अंदर स्टॉक में डाल के और फिर बाद में अपना ब्रांड बनाओ, वो कोई भी समझदारी वाली बात नहीं रहेगी। आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है अपना ब्रांड बना लें, लेकिन एक लंबा आप नहीं जा पाओगे। जो भी भाइयों ने अपना ब्रांड बनाया है, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनको क्या क्या तकलीफें भोगनी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा। देखिए, अभी जब फ्यूचर के अंदर में आप जाओगे अपना ब्रांड लेके, छोटा सा, जो कि मेरे कई कस्टमर बोलूँ या पार्टनर बोलूँ, एक्चुअल में कस्टमर ही बोलूँगा, वो करते क्या हैं कि कभी मेरे से मान लिया, कभी उससे मान लिया, कभी इससे मान लिया, कभी उससे मान लिया, कभी इससे मान लिया, 2-2 रुपये के लिए, 5-5 रुपये के लिए इधर उधर होते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको क्वालिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनका बिजनेस भी डाउन हो जाता है, क्योंकि उनकी लिमिटेड पूंजी है। जब आपके पास लिमिटेड पूंजी है, आप ज़्यादा रिक्स नहीं ले सकते। रिक्स का मतलब ये है कि यदि आपका पैसा कस्टमर के पास फंस गया तो भी आपका पैसा फंस गया, और यदि आपका स्टॉक में पैसा फंस गया तो भी आपका पैसा फंस गया, और यदि आप किसी वजह से आपके घर में कोई बड़ा खर्चा आ गया और आपने वो खर्चा वहाँ पे लगा दिया तो भी आपका पैसा फंस गया, और आपने यदि पैकिंग मटेरियल और मशीन के अंदर भी पैसा डाल दिया और आपके पास मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो भी आपका पैसा फंस गया। तो आपको करना क्या है कि एक वर्किंग कैपिटल में जितना एक आपके पास बेटर स्टॉक हो, माल वही खरीदिए जो कि माल बिके और कस्टमर भी उससे सेटिस्फाई हो। माल वो मत खरीदिए जो सस्ता हो, सस्ता खरीद के यदि आपका माल फंस जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको माल खरीद के। और एक इस वीडियो के अंदर मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए जैसे गूगल मीटिंग का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। क्या हो रहा है कि मैं जिनसे भी मेरी बात हुई है, मेरी आधी आधे घंटा 15-15, 20-20 मिनट तक हो जाती है, 1.25 घंटा तक भी बात हो जाती है। अब होता क्या है उसके अंदर में कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो 3-4 आदमी या 5 आदमी से ही मैं बात कर पाता हूँ बेटर वे में। तो उसमें क्या होता है कि जो बाकी के भाई हैं उनके साथ में मैं बात ही नहीं कर पाता, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे। तो उसके लिए मैंने एक इंतज़ाम किया है कि मैं 2 घंटा या 3 घंटा ऑनलाइन आप लोगों से फेस टू फेस मीटिंग करूँगा, 2-3 घंटा। तो उसमें आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और अपना जो ऑनलाइन कोर्स होने वाला है उसका भी अपने लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस हिसाब से क्या होगा वो उनके। तो आपकी जो बेसिक क्वेश्चन है
वो अपने डेली 2 घंटा फेस टू फेस बैठ के, मैं टाइम बता दूंगा 2 से 5 करेंगे कि 10 से 12 करेंगे, आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर दीजिए कि किस समय आपकी सुविधा रहेगी उस हिसाब से ही मैं रहूँगा, या फिर सुबह शाम का अपने टाइम कर लेते हैं कि भाई उस समय अपने लोग यदि टाइम करते हैं तो ये बेटर रहेगा, तो इस हिसाब से अपने लोग डिस्कस करके आगे काम करेंगे। यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो आपको तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को और डिटेल में क्या चीज़ चाहिए बोन के, क्यों मैं अब रेगुलर जैसे अभी रात के ठीक 12:05 हो रहे हैं और मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब रोज़ हमेशा मैं इसी टाइम पे या इससे पहले जो भी होगा मैं शूट करके ही सोऊंगा कि सुबह पहले अपलोड कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा आपको तामझाम नहीं मिलेगा मेरे वीडियो के अंदर, लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आपकी जो भी समस्या है प्लीज़ मुझे उसके अंदर में करिए, अपने लोग जब भी जूम के अंदर या कोई भी मीटिंग करेंगे मेरा सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, जिससे कि आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं जूम के ऊपर में आ रहा हूँ या यूट्यूब के ऊपर में आ रहा हूँ या फिर आपके गूगल मीटिंग में आ रहा हूँ। आप लोग जो भी मेरे बेटर वे में सब्सक्राइबर रहेंगे जिनसे मेरा गुप्तगु रहेगा, एक दूसरे से जान पहचान भी रहेगी जब अपने लोग मीटिंग करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ बनाए ही रखिए आपका, एक बार फिर मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।